डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गांव बोला, हमें सीएम चाहिए। केशव का पूरा गांव उन्हें सीएम बनते देखना चाहता है। दो बार लगातार चुनाव हार कर भी जीत गए थे केशव प्रसाद मौर्य। गांव को इंतजार है, अब केशव युग आएगा और हर हाल में आएगा। क्या केशव के गांव के लोगों का सपना योगी के रहते पूरा होगा? केशव को अखबार बेचते गाँव वालों ने देखा था, अब सीएम बनते देखना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचते ही हमारे हाथ कुछ तस्वीरें लगी। हमारी तस्वीरों पे नजर गई, हम गौर से देखने लगे। जिस वक्त की ये तस्वीरें थी उस वक्त हम पत्रकार नहीं हुआ करते थे। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य राजनीति के उभरते हुए सितारे थे। लेकिन केशव के घर में लगी कुछ तस्वीरों ने ये साफ कर दिया था कि अगर योगी आरएसएस के बेहद खास हैं तो केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ कम नहीं है। ये 1989 की तस्वीरें हैं, कुछ 1985 की भी तस्वीरें हमें दिखाई दी, जब केशव प्रसाद मौर्य युवाओं की राजनीति करते थे और उस वक्त बीएचपी के लिए काम करते थे। अशोक सिंघल की छाया की तरह केशव उनसे राजनीति की हर एक कला को सीखते रहे। लेकिन कभी वो अखबार बेचते थे। गांव वालों ने केशव को अखबार बेचते तो देखा है, अब गांव वालों को उम्मीद है कि उनका बेटा सीएम बन सकता है। लेकिन कैसे, ये तो संभव नहीं लगता है। फिर भी गांव का प्यार है, उनकी जिद है कि सीएम हो तो केशव जैसा, बाकी सब तो ऐसे हैं। यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हाई कमान से निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से प्रदेश में आई थी, उसी समय उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। जिस प्रकार आज जो हालात प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं, जो उठा पटक चल रही है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम उनके घर के सामने पहुंचे तो देखा यूपी की सियासत की हवा का असर वहां भी है। बैठक पर बैठक वहां पर भी हो रही है। चाय और नाश्ते के साथ बैठक में बस एक ही बात है कि मोदी जी केशव को सीएम बनाइए। आज हम आपको केशव की कहानी बताएंगे और समझाएंगे कि एक अखबार बेचने वाला गरीब का बेटा वहां तक कैसे पहुंच गया जहां पर हर इंसान नहीं पहुंच सकता। जी ये तो पहले ही 2017 में जब चुनाव हुए तो माननीय केशव जी प्रसाद मौर्य को के चेहरे पे ही चुनाव हुआ था, लेकिन पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया, उनको चीफ मिनिस्टर ना बना के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये बीसी की पूरा बैकवर्ड समाज आज भी ये उपेक्षित महसूस कर रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। अब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को 2017 में ही चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए। अगर आज उनके साथ चीफ मिनिस्टर पद उनको नहीं दिया गया तो 2022 के चुनाव में सफलता की ओर जो अग्रसर सोच रही बीजेपी, ये असंभव बात है। अब अगर उनके चुनाव चेहरे पर चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। अब माननीय केशव जी का जो नारा था या बीजेपी का जो नारा था कि 300 पार, तो स्वाभाविक तौर से मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता पुनः बीजेपी को फिर से गवर्नमेंट बनाएगी और केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर ही चुनाव होगा। और आज की उथल पथल के अनुसार भी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को तुरंत चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, नहीं तो 2022 संभव नहीं। कौशाम्बी के सिरातू में यही घर केशव प्रसाद मौर्य का है, अब आलिशान बंगला है। लेकिन 80 के दशक में यहाँ कुछ और तस्वीरें हुआ करती थी। पिताजी की चाय की दुकान थी और केशव खुद पढ़ाई के साथ अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई और परिवार को आगे बढ़ाने में पिता का हाथ बटाते रहे। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद में अपनी राजनीति की शुरुआत की। फिर राम मंदिर आंदोलन के दौर में केशव अशोक सिंघल के करीबी हो गए। 18 सालों तक केशव गंगा और यमुना पार में बीएचपी के प्रचारक भी रहे। अपनी किस्मत आजमाने का मौका उन्हें साल 2004 में मिला, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2004 में ही प्रयागराज से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 2007 में चुनाव हुआ, फिर उसी सीट पर लड़े, लेकिन फिर से वो पूजा पाल के सामने हार गए। इसके बाद साथियों ने कहा, राजनीति छोड़ दो, चुनाव जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन केशव ने कहा, अब राजनीति में सही से आए हैं। और फिर केशव की मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा। बीजेपी का युग आने वाला था और केशव राजनीति के उस शिखर पे पहुंचने वाले थे जहां की उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी।
केशव ने फिर 2012 चुनाव में अपनी सीट बदल दी और वो चले गए अपने घर, लेकिन वहां हारने नहीं बल्कि चुनाव जीतने। सिरातू विधानसभा चुनाव जीतकर केशव प्रसाद मौर्य ने झंडा बुलंद कर दिया और कह दिया वो हारकर कभी हारने वालों में से नहीं है बल्कि जीतकर वापस लौट जाते हैं। उनको पहले ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मोदी जी ने इलाहाबाद में भाषण में कहा था कि अपने इलाहाबाद मंडल का ही मुख्यमंत्री होगा। उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष बनने में पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आई थी और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन पता नहीं किस कारण उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब उठा बैठक हो रही है तो इसमें उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आज केशव प्रसाद मौर्य यूपी में योगी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। केशव को डिप्टी सीएम का पद मिला लेकिन उनका नाम सीएम की रेस में शामिल था। फिलहाल गांव वाले यही मानते हैं कि साल 2017 में केशव की मेहनत के बाद योगी को सीएम बना दिया गया और केशव को नहीं बनाया गया। केशव फिर भी मान गए। अब हलचल है कि बीजेपी सीएम बदल सकती है, तो केशव के गाँव में हलचल तेज है कि मुख्यमंत्री केशव बने और उन्हें लगता है कि अब कौशाम्बी के साथ पूरे प्रदेश में केशव युग की शुरुआत होने वाली है। ग्लोबल भारत टीवी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास उनके गृह जनपद कौशाम्बी के सरातू में है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सियासत की तो यूपी के सियासत में इस टाइम उठा पटक जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के संकेत भी सामने दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अगर कौशाम्बी की बात की जाए तो कौशाम्बी के लोग ये कयास लगा रहे हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। सरातू नगर पंचायत में किसान परिवार में पैदा हुए केशव प्रसाद मौर्य आज किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि अपने शुरुआती संघर्षों के दौर में उनको अपनी पढ़ाई के लिए अखबार और चाय तक बेचना पड़ा था। यूपी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ज़िया रिज़वी, ग्लोबल भारत, कौशाम्बी।